तो चलिए एक और काउंटर पे हम पहुंचे हैं जहां ट्रेडिशनल फूड आपको झारखंड का नजर आएगा। बांस आपने सुना होगा, क्या आप जानते हैं कि बांस को खाया भी जाता है? जी हाँ, तो हम पहुंच गए हैं इस वक्त बांस के काउंटर में, यानी कि करिल और सधना, जिसे यहाँ झारखंडी भाषा में बोला जाता है करिल या सधना। ये बांस के कोपल होते हैं। जब बांस का पेड़ निकलता है, कोपल जो उसके निकलते हैं उसे काट कर ये बनाया जाता है और इसे सधना कहते हैं। फिर इसे खट्टा किया जाता है और इसकी भुजिया बनती है, इसके अचार बनते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये ऐसे हाट बाज़ारों में ये मिलता है। ये सधना बेच रही हैं आप? तो ये खुद से आपने इसे कटवाया है? नहीं, खरीद के लाए हैं। खरीद के लाई हैं। तो इसका क्या क्या बनता है, कैसे बनाते हैं? अचार बनता है, सब्जी बनता है, माड़ो झोर बनता है, भुंजिया भी बनता है। इसको सुखा कर इसका गुड़ा भी बनाते हैं? हलवा बनता है। वो हलवा भी बनता है? हाँ। ये कैसा लगता है बनने के बाद? बनने के बाद इसमें मिर्चा लहसुन खोट के और थोड़ा सा सरसों तेल मिला के हलवा बनता है, उसका चटनी बनता है। तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सधना या करिल, बांस का जो ये कोपल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाकई इसका जो अचार बनता है ना, वो लाजवाब होता है। इसका भुजिया बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं और पीस का चटनी भी बनता है। फिर जब इसे सुखा लेते हैं, फिर जब इसे सुखाते हैं तो गूड़ा का रूप हो जाता है। बाद में उसे आप माड़ के साथ या टमाटर के साथ मिलाकर खा सकते हैं, जो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और एक ऐसा फूड भी झारखंड का, जो झारखंड की पहचान है। यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो इस ट्रेडिशनल बाज़ार में हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं। ये भी ट्रेडिशनल बाज़ार की पहचान है कि आपको ढूसका, बर्रा, पकौड़ी, जलेबी, गुलगुल्ला, पुआ, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। देखिए एक और ऐसे सूखी मछलियों के काउंटर में हम पहुंच गए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी की ये मछलियाँ हैं, क्या झारखंड की मछलियाँ या फिर बाहर से इन्हें मंगाया जाता है। ये खुद ही से आप लोग सुखाते हैं या बाहर से मंगाते हैं? बाहर से आता है मैडम सर। ये कहाँ से मंगाते हैं? जैसे बंगाल से आता है, उड़ीसा से आता है, बम्बे से आता है, मद्रास से आता है, चेन्नई से आता है। ये सूखी मछलियों का डिमांड है बाजारों में? जी 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 जी। इसे क्या करते हैं, इसका बनाया जाता है ग्रेवी वाला? सब्जी बनता है इसका, खाने वाला जी। तो ये बता सकते हैं कौन कौन सी मछलियाँ हैं? ये झींगा है? झींगा है। हाँ, ये झींगा है, जिसे चिंगड़ी भी बोलते हैं। ये बुद्धू है, गेतू है, चलवा है, बहुत किस्म का है। और इसका जी 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 झारखंड बंगाल का है जी। और उधर वो जो मछली है, ये सब है, ये चेन्नई का है, बंगाल से भी आता है, चेन्नई का भी है। और ये सब इधर वही मछली है? वो मछली थोड़ी बड़ी दिख रही है वो? हाँ, वो भी बंगाल की है, ये भी बम्बे की मछली है। तो इसे कैसे बनाते हैं, पहले इसे बॉयल किया जाता है या फिर वो फ्रेश हो जाती है? बॉयल करके ही बनाया जाता है इसको, गर्म पानी में बॉयल करने के बाद जैसे सब्जी बनता है वैसे ही फिर बनाया जाता है मसाला बनाने के बाद। चलिए तो देखिए, अब बाज़ार जाने का आपको रोज़ झंझट नहीं, यहाँ से मछलियाँ हर वेराइटी का आप खरीद लीजिए और घर में स्टोर करके रख लीजिए। जब आपको मछली बनाने का मन हो आप आराम से मछली बना सकते हैं और आपकी ग्रेवी वाली मछली करी तैयार हो जाएगी। चलते हैं बाज़ार में आगे, क्योंकि ये तो साप्ताहिक बाज़ार है और शतरंजी बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है ये, और कई वेराइटी यहाँ पर मिलेंगे आपको जो झारखंड को इस्टेब्लिश करते हैं, झारखंड की पहचान बताते हैं। कई तरह के साग होते हैं, गुड़ा मिलेगा यहाँ आपको, जो सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और देखिए यहाँ पर कई तरह के साग हैं। ये कौन सा साग बेच रही हैं आप? बेंग साग है। बेंग साग है ना, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है? हाँ, फायदेमंद होता है। और ये कौन सा साग है? इससे पूछिए उसका है। अच्छा, ये कौन सा साग बेच रही हैं आप? सिल्वरी साग। सिल्वरी साग, सिल्वरी साग, इसको कैसे बनाते हैं? कैसन या पलक साग कैसन बनाते हैं ऐसन? अच्छा। और ये कुंदरी। कुंदरी, हाँ कुंदरी। तो ये अपने बाड़ी से तोड़ कर लाई है? हाँ, अपन बाड़ी से। अच्छा। तो देखिए बाजार की खासियत कि अपने खेत बाड़ी से तोड़कर लोग ऑर्गेनिक, जिसके पीछे आजकल पूरी दुनिया भाग रही है, वो ऑर्गेनिक सामान आपको ऐसे हाट बाजारों में मिलेंगे।